आयरन कौन सा लेना है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें 3+ में एग्जिस्ट करता है, तो Fe2N2O3, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, तो Na+, तो यहाँ पे 1 आएगा, सोडियम का आयन Na+ होता है तो वहाँ पे 1 आएगा, फिर सल्फेट का होता है SO4 2-, SO4 2-, तो इसकी वैलेंसी 2 आएगी, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, Na2 Na2 SO4, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये बैलेंसिंग करने से पहले केमिकल फॉर्मूले जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सिंबल पता ही है, मैग्नीशियम मेटल का Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है। ये कैसे बनेगा, ये वही बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, Mg2+ और क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये 2, ये 1, ये क्रॉस हो गया तो बन गया MgCl2, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब अगर हम रिएक्टेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो Mg1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्लोरीन भी कितने हैं Cl2 मतलब 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, सही है। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ 2 लगाते हैं अगर, तो ये 2HCl हो जाएगा, तो मतलब H के भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आप 2 लगा देते जैसे मैंने नेक्स्ट में किया है, यहाँ पे 2HCl लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 हो गया रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो अब ये बैलेंस्ड हो गए, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट है आपका वाटर फॉर्म होने वाली रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, क्योंकि वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल है एटमोसफेयर में, H2, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में अवेलेबल है एटमोसफेयर में, O2, मिला के क्या बनाते हैं H2O। ये बैलेंस्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है पर ऑक्सीजन का 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम जरा थोड़ा डायग्राम के रिस्पेक्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने जो ये रेड वाली बॉल्स है ये हाइड्रोजन से बनाई है, 1, 2, 3, और 4, तो टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 है, ये जो ब्लैक बॉल्स बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, उसका साइज भी बड़ा है, इसलिए मैंने वो बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम है टोटल 4, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। तो आपको पता है एक फॉर्मूला यूनिट बनाने में 2 हाइड्रोजन के लगते हैं और 1 ऑक्सीजन का लगता है, तो 2 हाइड्रोजन के लगेंगे, 1 ऑक्सीजन का लगेगा, तो एक यूनिट बन जाएगी किसकी, H2O की, जिसमें ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये H2O बन गया, उसी तरह ये भी H2O बन गया। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया था ना, अब मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि 2 × 2 कितना हो गया 4, और 2 × 2 हो गया, 2 × 1 हो गया 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में था, मतलब डायग्राम के फॉर्म में था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है, आयरन रिएक्ट्स, ये बोर्ड एग्जाम में शायद 1 या 2 बार तो पूछी गई है, 1 बार तो कन्फर्म है, शायद दूसरी बार भी रिपीट हुई होगी। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। फेरिक ऑक्साइड अभी प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि Fe2O3 होता है, और उसको कंबाइन करके भी सीखा था कैसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, तो ओके, आयरन Fe, और स्टीम मतलब वाटर ही होता है, तो उसका फॉर्मूला H2O ही है, क्योंकि वाटर का ही फॉर्म है स्टीम, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है और हाइड्रोजन गैस H2 लिबरेट होगी। तो जो आयरन है उसका एक एटम है Fe, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये आप यहीं से देख सकते हैं, आयरन के आगे कुछ नहीं है, 1 है, H के नीचे 2 है, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है तो H2 है, ऑक्सीजन में ना सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा है ना आगे कुछ लिखा है, तो ऑक्सीजन 1 है। Fe2 मतलब आयरन कितने 2 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैं ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 लगाने से ऑक्सीजन तो 3 हो जाएंगे पर हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, आप बात को सुनिए, यहाँ पे 3 लगाने से 3 × 2 6 हो गया, हाइड्रोजन तो 6 हो गए पर ऑक्सीजन कितने 3 है, ठीक है, क्लियर। तो वो हो जाएगा, वो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा,
ये हो गए हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस कर ही थे हमने 3H2 करके, ये तो बैलेंस हो गए, पर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए सॉरी। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ ई भी अनबैलेंस्ड है, एफ ई में तो सिंपल ही है ये 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, तो 2 एफ ई, और यहाँ पे क्या करेंगे 3H2O है ना, तो 3H2 तो कर ही चुके थे, तो 2 एफ ई लगाने से क्या होगा, यहाँ पे भी आयरन 2 होगा, यहाँ पे भी आयरन 2 होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे 2 थे ना, तो अगर इस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 और ये 6 बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए H2 के आगे मैं क्या लगा दूंगा 3 लगा दूंगा। तो ये आपका बैलेंसिंग वाला जो पार्ट था पूरा ओवर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है।